बातें करते हुए। अरे भाई जल्दी घर पहुंचना है। अच्छा जल्दी जाना है तो भालगढ़ वाली भूतिया ट्रेन में चला जा, जल्दी पहुंचा देगी। ना बाबा ना, मैं तो देर से ही पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस स्टेशन वाली ट्रेन में तो कभी ना बैठूं। सुना है जो कोई भी उस ट्रेन में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। हाँ सुना तो मैंने भी है कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है जो पूरी की पूरी ट्रेन ही खा जाती है। भाई राम ही बचाए ऐसी चुड़ैल से। तो चलो भाई दूसरे स्टेशन चलते हैं, घर देर से ही सही पर दुरुस्त तो पहुंचेंगे। तभी उस स्टेशन पर एक अनजान व्यक्ति आता है। क्या शहर है, बड़े ही अजीब लोग हैं। इतनी देर से स्टेशन का पता पूछ रहा हूँ, किसी ने भी इस स्टेशन का पता नहीं बताया। दूर दूर के स्टेशन बताए जा रहे हैं। कुछ देर खड़े होने के बाद, शहर क्या, यहाँ तो सब कुछ ही अलग सा है। अब इस स्टेशन को ही देख लो, एकदम सुनसान पड़ा है, ना कोई टिकट घर है ना कोई भी इंसान। तभी अचानक से, अरे ये क्या भाई, ये बेंच ऐसे क्यों हिल रहा है और इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है। अरे भाई कोई तो आ जाओ जल्दी से, तो उसे देखकर ही थोड़ी हिम्मत बंध जाए। तभी अचानक ट्रेन का हॉर्न बजता है। अरे वाह ट्रेन आ गई, चलो अच्छा है अब ट्रेन में बैठ जाऊंगा, फिर मेरे बाद इस स्टेशन पर कोई आए या ना आए। ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन देखकर शेखर कहता है, अरे ये क्या, इस ट्रेन का तो कोई भी ड्राइवर नजर नहीं आ रहा। ये ट्रेन चला कौन रहा है, और इस ट्रेन में भी कोई नहीं है, सारी ट्रेन ही खाली है। चलो खैर मैं तो चढ़ूं, क्या पता अगले स्टेशन से और भी कोई चढ़ जाए। थोड़ी देर बाद, अरे भाई इतनी देर हो गई ये ट्रेन चल क्यों नहीं रही। तभी अचानक से, अरे बाप रे इतनी जोर का झटका, जैसे ट्रेन को किसी ने पकड़कर हिला दिया हो। देखता हूँ आखिर बाहर हुआ क्या है। जैसे ही वो उठकर ट्रेन के डिब्बे से बाहर झांकता है, ट्रेन चल पड़ती है और झटके से शेखर डिब्बे में ही पीछे गिर जाता है। अरे बाप रे मेरी कमर तो गई, ड्राइवर जरूर अपनी बीवी से लड़कर आया होगा, तभी तो इतने गुस्से में ट्रेन चला रहा है। शेखर जैसे तैसे सीट पर आकर बैठता है। तभी अचानक से, अरे ये शीशे में मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई झांक रहा हो। तभी अचानक से उसे फिर किसी का साया सा दिखता है। ये क्या हो रहा है, कोई है क्या वहाँ, कोई है, बोलो कोई है। उसके इतना बोलते ही शीशे में बहुत ही डरावनी एक चुड़ैल दिखाई देती है और 2 सेकंड में गायब हो जाती है। कौन हो तुम, बोलती क्यों नहीं। डरकर सीट पर बैठता है। तभी अचानक से, ये लाइट क्यों बंद हो गई, ये सब क्या हो रहा है। पास लगे स्विच को ऑन ऑफ करता है। तभी अचानक से बल्ब बहुत तेज जलने बुझने लगते हैं। अरे ये लाइट अपने आप जल बंद क्यों कर रही है, हे भगवान मेरी मदद करो, जरूर ये किसी चुड़ैल का साया है, वही ये सब कर रही है। तभी बड़ी जोर से शीशा टूटने की आवाज आती है। तुम कौन हो और मुझे परेशान क्यों कर रही हो। तभी अचानक से डिब्बे में एक भयानक सी दिखने वाली चुड़ैल भाग कर जाती है। शेखर उसे देख पाता वो तभी गायब हो जाती है। आज तो मैं गया, ये चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। तभी अचानक से ट्रेन रुक जाती है। ये ट्रेन रुक गई, भाग कर यहीं उतर जाता हूँ, दूसरी ट्रेन में चला जाऊंगा। शेखर भागकर ट्रेन में गेट की तरफ जाता है। गेट जोर से उसके पास पहुंचते ही बंद हो जाता है। खोलो खोलो कोई है, खोलो गेट भाई। तभी अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती हैं। हे माँ बस आज मुझे बचा ले, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तभी वो अपने फोन को वीडियो मोड पर लगा लेता है और अपने सिरहाने एक स्टैंड लगाकर उसमें फोन फिट कर देता है। ट्रेन चलती रहती है। शेखर डर कर सीट के कोने में ही बैठा रहता है। अरे मैं तो भूल ही गया, क्यों ना मैं आगे ड्राइवर के पास जाऊं। हाँ हाँ मैं उसी के पास जाता हूँ। शेखर गिरता पड़ता भागता हुआ बार बार पीछे मुड़कर देखता हुआ आगे पहुंच जाता है। ये क्या, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये ट्रेन कौन चला रहा है। तभी ट्रेन की बड़ी जोर से टक्कर लगती है। हे राम जी गया मैं तो गया, आज मेरा अंतिम दिन है। तभी शेखर देखता है कि एक बहुत बड़ी चुड़ैल अपने हाथों से ट्रेन को रोक लेती है।
और आगे से ट्रेन को उठाने लगती है। ये कितनी भयानक है, इसके कितने बड़े बड़े दांत हैं, ये तो पूरी ट्रेन को ही खा जाएगी। और तभी जल्दी से शेखर फेसबुक पर वो वीडियो अपलोड कर देता है। देखते ही देखते ये वीडियो चारों तरफ फैल जाती है और ये सब देखकर भालगढ़ के नेता जल्दी से किसी तांत्रिक या किसी पंडित का पता लगाने को बोलते हैं, जो उस चुड़ैल का खात्मा कर सके। नेताजी, मुझे किसी ने चुड़ैल वाला वीडियो दिखाया, मैं उस चुड़ैल को वश में कर सकता हूँ। देख लो बाबा, आज तक जो भी उस स्टेशन पर गया है वापिस नहीं आया। नेताजी, ऐसी चुड़ैलों का खात्मा करना मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आपको मेरे लिए एक काली का बहुत बड़ा मंदिर बनवाना पड़ेगा। ठीक है, हमें मंजूर है। अगले दिन तांत्रिक अपना झोला उठाकर उस स्टेशन पर पहुंच जाता है। अब देखता हूँ कौन मुझे खाता है। तभी ट्रेन आती है। आ गई मेरे हाथों मरने के लिए। तांत्रिक ट्रेन में बैठ जाता है। तभी उसके साथ भी वही घटना होने लगती है। डरा ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं तेरे इन ढकोसलों से नहीं डरने वाला, तोड़ जितने शीशे तोड़ने हैं। तभी तांत्रिक आगे के डिब्बे में जाता है। जय काली कलकत्ते वाली, तेरा कोई भी वार न जाए खाली। तभी डरावनी सी आवाज आती है। अच्छा, तो तू काली का भक्त है, बहुत देखे हैं तेरे जैसे काली के भक्त, आज तो एक मजेदार खाना मिलेगा। और तभी जोर जोर से हवा चलने लगती है, ट्रेन जोर जोर से इधर उधर हिलने लगती है और तभी चुड़ैल ट्रेन को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलती है। यही सही समय है माँ काली के बाहर निकलने का। और वो तांत्रिक माँ काली की एक मूर्ति हाथ में ले लेता है। तभी वो चुड़ैल ट्रेन को निगल लेती है। अरे ये क्या हो रहा है, मेरे पेट में आग क्यों लग रही है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, निकलो बाहर मेरे पेट से। अब तो तेरा खात्मा करके ही बाहर आऊंगा, देखता हूँ तू मुझे कैसे हजम करती है। नहीं नहीं नहीं। चुड़ैल जलकर भस्म हो जाती है और तांत्रिक बाबा सही सलामत उसके पेट से वापस आ जाते हैं।